हाँ भाई देखें इधर। अरे भैया शांत बिल्कुल। अब सभी आज तो बेटा नहाई कैसे नहा कैसे आई लग रही है। आज तो नहा के आई है। तो लाली किताब दो, चलो तुम्हारी कह रहा हूँ, लाओ बेटा। अच्छा ऐसा बात है, चलो कोई बात है, कुछ तो लगे। हाँ बेटा शायद स्पेक्ट्रल कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट लिखे स्टीरियो आइसो मैरिज, स्टीरियो आइसो मैरिज। बेटा कोई सी पूछनी है आपको? हाँ लिगेंड आइसो मैरिज में जो हमें कंपाउंड दिए जाएंगे उन कंपाउंड्स में लिगेंड में ही कोई आइसो मैरिज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किताब वाला एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। देखें CO Cl2 और इसमें एक लिगेंड हमने जोड़ दिया है। चलो यहां दिखा दूं मैं इसको, Cl2 NH2 CH2 CH3। पहला कंपाउंड ये है अपना, ठीक है। चार्ज कुछ Cl 1 2 3 4। क्लियर भैया? अब दूसरा इसी का पार्ट हमने क्या ले लिया, CO NH2 CH2 CH2 NH2 CH2। अब दोनों में देखो जो यहां पर हमने लिगेंड्स ये ले रखे हैं इन दोनों को देखें। देखो भाई ध्यान से, इस लिगेंड में और इस लिगेंड में कौन सी आइसोमेरेज में? चेन आइसोमेरेज। पहले इसमें कितने कार्बन की चेन बन रही है? 2 कार्बन की। अब कितने की बन जाएगी? थी? या सॉरी चेन नहीं, सॉरी पोजीशन, 1 2 3 और 1 2 3 पोजीशन हो गई, हो गई इसमें। तो ये जो लिगेंड है यही आइसोमेरेज में इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लिगेंड आइसोमेरेज। बोलो भाई डाउट क्लियर पॉइंट? तो ये इस तरीके से अपन किसको एक्सप्लेन करते हैं, लिगेंड आइसो मैरिज। और बोलो भैया इसको लिख लो, लिंकेज सबसे सिंपल है बेटा। लिंकेज में कुछ ऐसा नहीं है, उसमें तो आपको जो कंपाउंड दिए हैं उनमें ये चेक करना है कि कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड तो नहीं है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, विच कंपाउंड कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज। मैंने कुछ कंपाउंड्स यहां पर लिख लिए हैं, जैसे पहला मैंने लिख लिया CFe NH3 का होल फाइव SO4 Cl। दूसरा लिख लिया CO En का होल ट्वाइज Cl2 Cl। PyNH3 PtNH3 PyCl CNS। 1 2 3 ठीक है, 4 ऑल ये आपको दे दिया। कौन करेगा? थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में CNS क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और जहां एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा वो कौन से आइसोमेरिज शो कर देगा, लिंकेज आइसोमेरिज शो कर देगा, खत्म। अब सेकंड कंपाउंड इसका हम क्या बनाएंगे, इसको चेंज करके NCS लिख देंगे बस, बाकी का वही लिखना है जैसे। हाँ भाई बोले, और कई किताबों में CNS की जगह SCN मिलता है लिखा हुआ, आपको पहले ही बता दिया है मैंने, SCN मिल जाए चाहे CNS मिल जाए, क्योंकि यहां बॉन्डिंग सल्फर से होती है, कार्बन से नहीं होती है, ठीक है। आ जाओ चलो बोलो भाई डाउट इसमें, और बोलो जो कुछ है। कोऑर्डिनेशन में हम क्या करते हैं, पेरेंट
पहली बात कोऑर्डिनेशन कौन शो करेगा, जिसमें दोनों आयंस कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, और जब दोनों आयंस कॉम्प्लेक्स आयन हैं, जैसे आपसे कहा PtNH3 का होल थ्राइज होल फोर और PtCl4 ये है। अब इसमें बताओ भैया, अब दोनों में से इसका लिगेंड इधर पहुंचा दूं, इसका लिगेंड इधर पहुंचा दूं, क्या होगा? PtNH3 का होल थ्राइज Cl, PtNH3Cl3, इनको क्या कहेंगे हम? कोऑर्डिनेट आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाएंगे, CMI से अटैच जो लिगेंड है वो एक दूसरे में एक्सचेंज होंगे, वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, और क्लियर? और कुछ पूछना हो? नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या? इसने पूछा था लिंकेज आइसोमेरिज्म का, अब पूछा था इसने क्या लिंकेज समझ में नहीं आई, तो इसमें मैंने इसको समझने के लिए क्वेश्चन लिखा है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो लिंकेज शो करेगा। तो लिंकेज कौन शो करता है? एम्बिडेंटेड है, तो इनमें से किस में एम्बिडेंटेड है? तीसरा वाला, तो बस आंसर यही है। ये जो पिछले में जो रह गया है इनका कुछ, वो पूछ रहे थे जो उनको समझ में नहीं आया है। आज नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखे डेफिनेशन, द कंपाउंड्स विच हैव, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन, बट डिफरेंट इन थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर भैया? आपसे क्या कह रहे हैं कि इनमें क्या चीज सेम होगा? मॉलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम होंगे, केवल क्या चीज डिफर है? अरेंजमेंट। अब हमने IUPAC पढ़ी थी और वहां हमने IUPAC को आधा छोड़ दिया था। आधा क्यों छोड़ा था? क्योंकि आधी IUPAC आपके आइसोमेरिज्म पर डिपेंड करती है। अभी तक हमने नॉमिनल IUPAC पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन अब आपको स्टीरियो पढ़ने के बाद यदि किसी कंपाउंड में स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जैसे किसी में ज्योमेट्रिकल है या किसी में ऑप्टिकल है, तो उसकी फॉर्म्स उसके आगे लिखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया PtNH3 का होल ट्वाइज Cl2, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है, और जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो हमें क्या करना होता है इसमें? जब हम इसका नाम लिखते हैं IUPAC, उससे पहले इसमें सिस और ट्रांस को एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्या बताएंगे? सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। क्लियर? तो अभी आप ये ध्यान रखें, ये टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं ये IUPAC में मिक्स होगा, और जब ये मिक्स हो जाएगा तब आपकी IUPAC कंप्लीट। नाम तो वैसे ही लिखना है कि डाई एमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, लेकिन आगे सिस ट्रांस DL वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी। ठीक है भाई, तो लिखें आप पहले आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ भाई, तो हाँ, अच्छा, चलो कोई बात नहीं।
नहीं सही है, सही है, सही है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ नहीं कोई दिक्कत ना, ना सही बात है, ठीक। हाँ ना, होम साइंस की ना है ना, क्यों ना, ना एक्चुअल में क्या है कि होम साइंस अपन ने स्टार्ट ही ना करी, हमने होम साइंस की जगह होम साइंस की, हाँ होम साइंस सब्जेक्ट तो है लेकिन हमने होम साइंस स्टार्ट जो ना करी, को बच्चा तो पहले ना मिले आर्ट्स में, हाँ तो बस दिक्कत यह आवे फिर। हाँ भाई लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, लेकिन द स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंस, विच हैव डिफरेंस डिफरेंस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, डिफरेंस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर भैया? देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यदि अपन देखें तो हमें इसमें दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, सिस और ट्रांस। सिस क्या होते हैं? सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड एट एडजेसेंट पोजीशन, That is 90 degree angle। यहां आपको डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे हम एल्किन में निकालते डबल बॉन्ड के एक साइड में सिमिलर साइड और सिमिलर साइड में अपन देखते थे ग्रुप, वो चीज यहां नहीं है। यहां आपको ये देखना है दो सिमिलर ग्रुप यदि 90 डिग्री के एंगल पर अटैच है तो वो सिस कहलाएगा, ठीक है। और यदि वो किस पर अटैच है, 180 डिग्री के एंगल पर अटैच है तो वो क्या होगा, ट्रांस कहलाएगा। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड एट डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब एट 180 डिग्री एंगल, उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांस। एक मिनट बोर्ड पर देखें, पहले मैंने एक कंपाउंड यहां बना लिया प्लेटिनम का, ये अपना एक कंपाउंड, और इसकी एक दूसरी पोजीशन मैंने यहां बना ली पीटी, यहां NH3, यहां NH3, यहां Cl और यहां Cl। अब यहां दोनों सिमिलर ग्रुप, कोई से सिमिलर ग्रुप को पकड़ लो 90 डिग्री पर है और यहां 180 डिग्री पर, तो ये क्या हो गया, सिस, और ये क्या हो गई, ट्रांस। तो सिस और ट्रांस को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपके कोर्स में हम सभी कोऑर्डिनेशन नंबर को एक एक करके लेके चलेंगे। पहले हम दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, पहले ज्योमेट्रिकल की लिख ली, अब हम ऑप्टिकल की लिखेंगे, और फिर पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन 2 वाला कौन सी आइसोमेरिज शो करेगा, कोऑर्डिनेशन 3 वाला कौन सी करेगा, दोनों में से इस तरीके से अपन कंपेयर करते हुए उनको चलेंगे, ठीक है। तो लिखो पहले इसको, हेलो, हाँ हाँ कौन, ताऊ जी पूछ रहे हैं, हेलो हाँ काई कह रहे, ताऊ जी कराया है जमा, अरे ताऊ जी करिया है क्या, तो पूछ ताऊ जी ते, फिर अच्छा ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं एक मिनट अभी मैसेज कर रहा हूँ फीस जमा करके, है ना ताऊ जी कह रही हो।
हाँ भाई लिख गया बेटा। नेक्स्ट लिखें बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन द कंपाउंड्स विच हैव, द कंपाउंड्स विच हैव विच हैव टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल, टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल पीपीएल इन एनी डायरेक्शन, इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन डायरेक्शन आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। बेटा देखें बोर्ड पर, आपसे कहा हमने एक लाइट सोर्स यहां पर ले लिया, कैसा लाइट सोर्स है ये, कौन सा, ये कैसा लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स। पॉइंट लाइट सोर्स का मतलब जिससे सभी डायरेक्शंस में इक्वल लाइट डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये क्या हो गई, नॉन पोलर लाइट हो गई, जो सभी डायरेक्शंस में इक्वली डिवाइड हो गई। इसको हम एक स्पेसिफिक प्रिज्म, जिसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या होता है निकोल प्रिज्म, इसे काटेंगे हम इसको, और इसे काटेंगे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की रेक्टेंगल शेप्ड प्लेट होती है, जो जैसे ही हम काटते हैं, काटने के बाद इसको कनाडा बालसम, ट्रांसपेरेंट सीमेंट होता है, उससे हम इसको ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको काटते हैं तो यहां पर स्पेसिफिक एंगल से इसको काटा जाता है, ऐसा नहीं है किसी भी तरीके से अपन काट रहे हैं। काटने के बाद ये निकोल प्रिज्म बनता है, निकोल प्रिज्म से जैसे ही लाइट निकलती है वो क्या हो जाती है, प्लेन पोलराइज लाइट, दैट इज पीपीएल। इस पीपीएल को किसी मेटल ट्यूब से जिसमें कोई सॉल्यूशन फिल है एक्स कंपाउंड का, उससे हम इसको पास करते हैं। जैसे ही हम इसको पास करेंगे तो अपनी तीन कंडीशन आएंगी, या तो लाइट ऐसी ही मिलेगी, ऐसी मिल जाएगी, ऐसी मिल जाएगी, ये तीन कंडीशन हमें यहां पर मिलेगी, ये यहां पर क्लॉकवाइज, ये यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। यदि लाइट किसी डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाती है, ये जो एक्स कंपाउंड है ये कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं है। और यदि लाइट किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, और यदि क्लॉकवाइज हो रही है तो डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो लीवो, डेक्स्ट्रो का डी लीवो का एल। बोलो डाउट भैया, बात समझ में आई,
तो जो भी कंपाउंड पीपीएल को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो लिख लें इसको, हाँ भाई बोले यहां तक हो गया। हाँ रेड वाले उसमें, हाँ फीस वाली दे दो आप, बुक दे दो ताऊ जी को, है ना, रस वो बुकें हैं ना फीस वाली आपकी, अलमारी में रेड बैग में रखी हैं, दोनों की दे दो। हाँ भाई लिख गया भैया, आगे चलें, चलो तो लिखें अब आगे, इसी में लिखना द एलिमेंट्स, सॉरी द कंपाउंड्स विच हैव नॉट, द कंपाउंड्स विच हैव नॉट एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री are asymmetric compounds and can show optical isomerism. देखो बेटा समझे, यहां पहले आपने लास्ट ईयर सॉलिड वाले चैप्टर में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़े थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। किसी भी कंपाउंड में यदि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का कोई भी कंडीशन नहीं हो, ना सेंटर हो, ना एक्सिस हो, ना प्लेन हो, तो वो सभी कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, असिमेट्रिक कंपाउंड्स। और यदि असिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं तो उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पहचानने का सबसे बेस्ट मेथड होता है उसकी असिमेट्रिक कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आपको इन कंपाउंड्स में कहीं भी क्या नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में आपको क्रैल कार्बन नहीं दिखेगा। क्रैल कार्बन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं इसमें क्या देखनी है, असिमेट्रिक कंडीशंस आपको चेक करना। ठीक है भैया, बात क्लियर। चलो अब लिखें स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेडिंग डालें। अब आपको जो अभी कहा था, हम एक एक करके कोऑर्डिनेशन नंबर्स को उठाएंगे, दो से स्टार्ट करेंगे, छह तक अपन चलेंगे, और हर कंडीशन में अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि दो में कौन सी आइसोमेरिज में ज्योमेट्रिकल होगी या ऑप्टिकल होगी या दोनों ही नहीं होंगी, तीन में क्या होगा, चार में क्या होगा, ये सभी कंडीशंस को अपन यहां पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हेडिंग डाल लें, और उसमें फर्स्ट कंडीशन लिखना कोऑर्डिनेशन जी, उसमें पहला लिखेंगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर टू कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर टू कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, सॉरी क्या स्ट्रक्चर होगी कोऑर्डिनेशन नंबर टू। अब बेटा देखो, आपको अभी स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी नहीं है क्योंकि आपका बीबीटी का पोर्शन है इसके बाद, और ये पहले दे रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर टू, दैट मीन्स एसपी हाइब्रिडाइजेशन लीनियर स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर चार, दो कंडीशन हो सकती है एसपी थ्री या डीएसपी टू, एसपी थ्री के रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल और डीएसपी2 के रिगार्डिंग स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 डीएसपी3 या एसपी3डी और दोनों की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एसपी3डी2 या डी2 एसपी3 और दोनों की ही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अब हमने यहां पर क्या लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, दैट मींस इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर। लीनियर क्यों है, क्योंकि इनके हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखें टू कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आर लीनियर, टू कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेज आर लीनियर, आर लीनियर, दे डू नॉट यील्ड स्टीरियो आइसोमर्स, they do not yield by IELD, they do not yield stereoisomers because the coordinating groups groups cannot be arranged in more than a single way, in space, cannot be arranged in more than a single way, way in space। देखो समझे क्या कह रहे हैं, जब लीनियर स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब मैंने एग्जांपल ले लिया AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस टू, इसकी प्लस वन सॉरी, इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, AgNH3 इधर आएगा, इधर NH3 आएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर बदल के बताओ कैसे बदलेगी, स्ट्रक्चर चेंज करो कि इनका जो अरेंजमेंट है NH3 का वो चेंज हो जाए, हो सकता है क्या, केवल सिंगल कंडीशन है इनकी स्ट्रक्चर की, तो इसीलिए इनमें ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी और ना ही ऑप्टिकल।
जनरली जिनमें D10 कॉन्फिग्रेशन होता है उनमें ये कंडीशन आती है। D10 किसमें है? Ag प्लस है, Cu प्लस है। इन सभी कंडीशंस में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स यहां पर बनते हैं। ठीक, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आती है, सर यदि हम यहां पर क्लैट लिंग बना रिंग बना दें तो? भाई क्लैट रिंग भी तो बन सकती है, किसी बाइडेंटेड लिगेंड से हम इसको अटैच कर रहे हैं तो क्या होगा? क्लैट रिंग कभी भी यदि बनती है तो क्लैट रिंग की कंडीशन होती है कि उस रिंग में कम से कम दो रिंग्स बननी चाहिए या कोई और भी लिगेंड उसमें होना चाहिए। जैसे यदि मैं यहां पर AgNH2CH2CH2NH2 ये जोड़ दिया मैंने, तो अब ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। या तो इधर इसके जुड़ने के बाद इधर कोई दूसरे लिगेंड्स होने चाहिए थे या फिर कोई दूसरी एक और रिंग होनी चाहिए थी, अदरवाइज ये स्टेबल रिंग नहीं बनेगी और ये डिसोसिएट हो जाएगी। तो कभी भी यदि अपन बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसमें कभी भी रिंग नहीं बनेगी, केवल कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी। और लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से ना इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगी और ना ही इसमें ज्योमेट्रिकल। क्लियर? डाउट इसमें कोई भी तो लिखे आगे। मोनोवेलेंट कैटाइंस हैविंग D10 कॉन्फिग्रेशन कॉन्फिग्रेशन एग्जाम्पल लिख देना, Ag प्लस, Cu प्लस, Au प्लस और Hg2+2। कैटाइन यूजुअली फॉर्म टू कोऑर्डिनेटेड डाइमैग्नेटिक लीनियर कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अभी कुछ टाइम पहले यदि आपको शायद याद हो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक या डेढ़ महीने हुए हैं, यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ है, यूपी में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है, जिसमें केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन था। उसमें आपको दिया क्या था, उसमें चार कॉम्प्लेक्सेस दिए थे और उसमें पूछा था इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स टू कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है। तो टू कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स कौन बना सकते हैं? केवल ये चार एलिमेंट्स बना सकते हैं। अब कंफ्यूजिंग वहां पर क्या कर दिया था, उन्होंने Hg को दो फॉर्म्स में होते हैं। Hg किस किस फॉर्म में है? एक तो Hg+1 और एक Hg+2। Hg+1 तो यही है, Hg2+2 लिखा है, ये मर्क्यूरस है, क्योंकि Hg+1 अनस्टेबल होता है तो वो अपने डाइमर फॉर्म में रहता है। और एक होता है Hg+2। Hg+2 टू कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड नहीं बनाता, वो फोर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनाता है, और ये कितना बनाता है? टू कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको क्या है, वहां सही क्रिस्टल पूछते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स पूछते हैं, तो जो जैसा कैटायन है वो वैसा ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट आगे इसको लिख लेना एग्जाम्पल को, Ag वाले को। लग गया ऊपर वाला, ये लिख लेना केवल एग्जाम्पल AgNH3 का उल्टा है, जो इसकी स्ट्रक्चर बना लेना, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या बात अपन ने की है यहाँ पर। नेक्स्ट लिखें आप इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कंपाउंड्स
कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री कंपाउंड्स, देखो बेटा पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर तीन के कंपाउंड्स नहीं होते, कुछ ही कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए हम उनमें किसी भी स्टीरियो आइसोमेरिन की बात नहीं करते। अनकॉमन कंपाउंड्स होते हैं, मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते, दोनों ही हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन तीन के कंपाउंड्स की कभी भी बात नहीं की। लेकिन फिर भी यदि अपन बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर तीन, तीन बॉन्ड की कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, तीन बॉन्ड की दो तरीके की स्ट्रक्चर हो सकती हैं, या तो हो सकती है ट्राइगोनल प्लैनर और दूसरी स्ट्रक्चर हो सकती है पिरामिडल स्ट्रक्चर लाइका अमोनिया। ठीक है, दोनों में ही तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड के अकॉर्डिंग। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बात करें, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर तीन है तो एक्सरे स्टडी से जब हम पता पड़ा कि एक्सरे स्टडी की तो वहां पर हमने कंक्लूजन निकाला कि इनमें केवल कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है, ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर मिलती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। क्लियर भैया, तो लिखें इसमें थ्री कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आर अनकॉमन, थ्री कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स आर अनकॉमन so these stereochemistry cannot studies so these stereochemistry cannot be studies। these compounds are trigonal planar, trigonal planar with sp2 hybridization, with sp2 hybridization। example PT-PPH3 का whole thrice, शायद मैंने आपको PPH3 ligand नहीं लिखाया तो आप इसको लिख लेना, इसका नाम होता है ट्राई फिनाइल फॉस्पाइन। चलो नेक्स्ट, लिखे आगे, देखो भैया PH3 को हम फॉस्पाइन बोलते हैं, PH3 को क्या बोलते हैं, फॉस्पाइन। अब PH3 को जब हम फॉस्पाइन बोलते हैं तो उसी के बेसिस पर H को रिप्लेस करके PH लगा दिया है, तो इसीलिए नाम को क्या कहते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्पाइन बोल देते। अब आप लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में दो कंडीशंस हो गई, एक sp3 और एक dsp। sp3 के लिए स्ट्रक्चर कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल, और इसके लिए स्क्वायर प्लैनर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी और स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर कुछ ऐसी। मैंने यहां मेटल शो कर दिया, यहां मैंने मेटल इस पे शो कर दिया, ये यहां आ गए। ठीक है भाई, मैंने यहां ए बी और बी दो लिगेंड्स अपने इस पे शो कर दिए, ऐसे ही मैंने यहां ए बी और बी यहां इंडिकेट कर दिए। तब आप ये देख के बताओ कि इसकी ज्योमेट्रिकल हम कैसे शो करेंगे और इसकी ज्योमेट्रिकल कैसे शो करेंगे। बोलो भाई, हाँ, इसकी ज्योमेट्रिकल में कहां से किसको चेंज करें, जैसे इसकी ज्योमेट्रिकल तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी ज्योमेट्रिकल में क्या होगा,
कि हम एक लिगेंड को हटा करके 180 डिग्री पर लगा दें। या इसको कैसे कर, चलो एक मिनट देख लो फटाफट से, क्योंकि फिर क्लास भी आपकी ऑफ हो रहे वाले। यहां पर आप कहीं भी कुछ भी रखो, वो सभी रिलेटिव पोजीशन सिमिलर होती है। मैं यहां से उठा के इसको यहां रख दूं तो भी ये क्या होगा, 109 डिग्री के एंगल पर होगा। यहां से उठा के यहां लिख दूं तो भी 109 एंगल पर होगा। कहीं भी रख दो, ये चारों बॉन्ड्स एक दूसरे से 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स के एंगल पर है, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, लेकिन इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन वो भी कंडीशंस चेक करके। हर कोऑर्डिनेशन नंबर चार वाले स्क्वायर प्लेनर क्या सोनी करेंगे, ज्योमेट्रिकल। अब यदि हम इसमें देखें कि भैया इसमें यहां पर सिमेट्रिकल प्लेन बन रहा है, ये बन गया, और इसमें नहीं बनेगा कहीं भी। इसकी मिरर इमेज यदि हम बनाएं तो किसी पर भी सुपर इंपोज नहीं होगी। या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें मिलेगी, sp3 में और dsp2 में, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसमें मिलेगी, sp3 में। हमें दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों की स्टडी कर रहे हैं, किसमें क्या मिलेगा। तो यदि अपन देखें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल मिलेगी, और स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मिलेगी। क्लियर भैया? कुछ स्क्वायर प्लेनर हम ऐसे भी सेट करते हैं कि उनमें ऑप्टिकल हो जाए, वो लिगेंड्स के बेसिस पर होते हैं, ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड्स जिनके दोनों पोल्स डिफरेंट होते हैं, यदि हम उनको यूज कर लें तो वहां पर ऑप्टिकल भी हो जाते हैं। जैसे हमने निकिल ग्लाइसिनेट यूज कर लिया, NIGLY का होल्ट वाइज यूज कर लिया, तो उसमें उसके एंड्स को हम चेंज करके उसमें आइसोमेरिज्म को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो वो अभी आगे पढ़ेंगे तब आपको आप समझा देंगे इसमें। अब इसको एक बार थोड़ा सा चार्ट तो इसका बना लेना, बाकी का अपन कल इसको पढ़ेंगे।